सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के नए ट्यूटोरियल में आपको दोबारा खुश आमदीद करता हूँ। लास्ट हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन किया था कि हम लोग फॉर्म फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, सारा डिटेल में जो है मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। आज हम लोग जो है अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग यानी कि सेल वगैरह के अंदर जो अलाइनमेंट होती है डाटा की और टेक्स्ट वगैरह की, उसके बारे में हम लोग जो है ना जानेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं कि डाटा अलाइनमेंट के ऑप्शंस क्या हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम अपने पास एमएस एक्सेल जो है वो ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ जो चीज़ आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो अलाइनमेंट है उसके लिए इस होम के रिबन के टैब के अंदर ये अलाइनमेंट का एक पूरा पर्टिकुलर जो है वो आपके पास ऑप्शंस का पूरा बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे ये अलाइनमेंट का पूरा बॉक्स जो है ना अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अलाइनमेंट आप देख रहे हैं ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यानी कि आपका जो डाटा है वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, अपर, मिडिल और बिल्कुल बॉटम में। तो ये है मिडिल, यानी कि यहाँ सेलेक्शन करते हैं हम लोग, पहले इसको करेंगे हम लोग मिडिल, और ये है टॉप और ये है बॉटम। इसी तरह से अलाइनमेंट जो है हमारे पास तीन तरह की है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर और राइट हैंड साइड। फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि अलाइनमेंट जो है वो किस तरह से की जाए, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से मैं करता हूँ डिक्रीज, यानी कि अब मेरा पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पर इस लाइन के साथ जो है ना अटैच्ड है। अगर मैं इसको टैब ऑर्डर दूंगा तो ये टैब नहीं करेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो तो आप आराम से जो है टेक्स आपका इनेबल होता है तो आप टैब का बटन इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे आपका जो टेक्स है वो टैब ऑर्डर में आगे चला जाता है। तो इसके अंदर एक्सेल के अंदर जो हम टैब इस्तेमाल करते हैं वो अपने कंटेंट के साथ, वो इन दोनों ऑप्शन के साथ किया जाता है। यानी कि मैं अगर पाकिस्तान के आगे पीछे जो है एक टैब देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये वन टैब स्पेस आएगा ना आपका अलॉट कर देगा। इसी तरह से मैं जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा ये आगे जाता जाएगा, और डिक्रीज़ करूँगा तो ये डिक्रीज़ करता जाएगा। फिर आ जाते हैं हम इसके अंदर कि हमारे पास जो है एक है मर्जिंग का ऑप्शन। मर्जिंग बेसिकली करता क्या है कि ये आपके नंबर ऑफ बंच ऑफ सेल्स, यानी कि जितने सेल्स आपने सिलेक्शन दी होती है उन सेल्स को जो है ना ये मर्ज करता है, और उस इन सेल्स के जो मर्जिंग यानी कि जितना भी बंच ऑफ सेल्स हैं इनको मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमारे पास ये सेल की हेडिंग है, मैं चाहता हूँ कि ये इन ईयर्स के ऊपर मर्ज होके एक ही सेल के अंदर डिस्प्ले हो, तो मैं पूरी सिलेक्शन दी है और उसके बाद यहाँ सिंपली मर्ज पे क्लिक करूँगा तो ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप जो है अपना फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करना चाहें वो चेंज कर दें, साइज़ बढ़ाना चाहें साइज़ बढ़ा दें। तो ये जो है आपका मर्जिंग का काम जो होता है कि वो सेल्स को मर्ज कर देता है सिंगल सेल। फिर हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो कहलाती है ओरिएंटेशन, यानी कि अब मैं चाहता हूँ मेरा ये जो टेक्स्ट है मैं इसको ओरिएंटेशन देना चाहता हूँ कि ये खूबसूरत स्टाइल में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन है। इसका काम ये होता है कि ये आपके जो टेक्स्ट है उसको एंगल्स में जो है ना कन्वर्ट कर देता है। वर्टिकल है, रोटेट है, टेक्स्ट अप है और रोटेट टेक्स्ट डाउन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है और एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन है। इन सब के जो है ना स्टाइल भी यहाँ डिफाइन किए हुए हैं कि किस तरह से स्टाइल में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम जो है इसमें से एक स्टाइल इस्तेमाल करेंगे, ये वाला सबसे पहला। तो हम अपने ईयर्स जो हैं इन सब को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग अपना टॉप वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल उसको जो है कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एंगुलर काउंटर क्लॉकवाइज। और इसकी अलाइनमेंट जो है हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं इसको ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, और इसको मिडिल कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से कंट्री को भी जो है हम लोग सेंटर में अलाइनमेंट करते हैं और फिर यहाँ से सेंटर कर देते हैं। तो ये देख लें आप कितने खूबसूरती के साथ जो है डाटा अलाइन हो गया आपके सेल्स के अंदर। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो एक यहाँ पर ऑप्शन है रैप टेक्स। बेसिकली इसका जो काम है ये करता क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका जो सेल है वो आप चाहते हैं कि इसकी विर्थ जो है वो ना बढ़े, विर्थ इतनी ही रहे, लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरी दो लाइनों में आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ इसको टोटल काउंट विथ टैक्स, ठीक है। अब ये टोटल काउंट विथ टैक्स है, अब जब मैं इसको एंटर करूँगा
तो आप देख रहे हैं कि ये आउट हो रहा है दूसरे सेल के अंदर। अब इसका अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू चेक करूं तो ये तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आउट आउट जा रहा है बिल्कुल आपके। अगर ये प्रिंट में आप निकालेंगे तो ये जो ऑप्शन है आपका, देख रहे हैं आपके टोटल काउंट विद टेक्स्ट जो है ये आउट हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना एक ऑप्शन यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट के नाम से जो ऑप्शन है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या कर देगा, इस मेरे टेक्स्ट के जो वर्ड्स हैं उनको तोड़ देगा और इसको जो है अलाइन कर देगा विद इन द विड्थ ऑफ द कॉलम। तो इसका यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा होता है वैसे तो टेक्स्ट रैपिंग का, क्योंकि इसी के थ्रू जो है आप अपने सेल्स के जो डेटाज होते हैं उनको एडजस्ट करते हैं आसानी के साथ और कंट्रोल किया जा सकता है अपने डेटा को। तो ये ऑप्शन जो है काफ़ी मेन भी है वैसे टेक्स्ट के इस्तेमाल के लिए वर्कशीट्स के अंदर, क्योंकि जब आपके पास बड़ी बड़ी वर्कशीट्स होती हैं तो आपको जो है स्पेसिंग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है और आप अपने टेक्स्ट को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रखते हैं और ये चाहते हैं कि एक ही पेपर के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाए, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा काम आती है। तो यही थी सारी की सारी जो है ना ऑप्शंस थे ये सारे आपके अलाइनमेंट के हवाले से। ये जो आपके पास ऑप्शन है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये जो है आपको डिस्प्ले करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर फ्लोट होना चाहिए, मतलब उसकी स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए। जैसे कि अभी जो है ना इसकी स्टार्टिंग है बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। जब मैं इसमें टाइपिंग करूँगा तो ये क्या करेगा, लेफ़्ट टू राइट टाइपिंग करेगा। अगर मैं इसको कर दूँ राइट टू लेफ़्ट तो ये राइट टू लेफ़्ट जो है टाइपिंग करेगा आपके। और ये अलाइनमेंट जो आपके पास होती है कॉन्टेक्स्ट की, ये सेंटर ऑफ द टेक्स्ट जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट रहती है हमेशा। इसका नीड जो है मेरी नज़र में तो आज तक कुछ भी नहीं रहा है इसका नीड, क्योंकि ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता ही नहीं है, ना मैंने आज तक कभी इसको इस्तेमाल किया है कहीं भी। बहरहाल फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट के हवाले से जो है वो मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें बता दी हैं आज, और यही सारा कुछ है अलाइनमेंट के अंदर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने MS Excel के अंदर और अपने शीट्स वगैरह के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नंबर फॉर्मेटिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।